हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूके वीज़ा के बारे में। यूके, यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड, इसमें चार कंट्री आती हैं। अगर आप यूके का वीज़ा लेते हैं तो आप एक यूके के वीज़ा से, जैसे शेंगन से आप 26 कंट्री ट्रैवल कर सकते हैं, तो आप यूके से ये चार कंट्री जो है वो ट्रैवल कर सकते हैं। यूके एक बहुत ही खूबसूरत देश है। अगर आप 15 दिन की ट्रिप बनाकर जा रहे हैं तो ये एक सफिशियंट ट्रिप होगी। आप यूके 15 दिन की आइटनरी के साथ में जा सकते हैं। और यूके एक बहुत ही खूबसूरत देश है, हालांकि ये 15 दिनों में कवर होने वाला नहीं है, लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम जा रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए, मैं तो कहूँगा कि आप 7 दिनों की आइटनरी बनाइए। और वीज़ा जो होता है वो 6 महीने का होता है, और उसके बाद में भी आप अपनी आइटनरी में जो चेंजेस हैं वो कर सकते हैं। ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ यूके वीज़ा के ऊपर, क्योंकि मैं बहुत सारे रिजल्ट्स ऐसे देख चुका हूँ कि यूके ने जो फ्रेश पासपोर्ट है उन पर भी, अगर आपकी सैलरी जो है वो अच्छी है तो फ्रेश पासपोर्ट भी वीज़ा इश्यूज़ किए हैं। तो अगर आपकी सैलरी अच्छी है और आप अच्छी जगह जॉब करते हैं या आपका अच्छा बिजनेस है तो आप यूके वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। अब बहुत बार ऐसा होता है कि अगर हम लोगों की दिली ख्वाहिश होती है कि हम शेंगन में अपनी मनपसंद जगह पर जाएँ, लेकिन अगर आपके पास यूके वीज़ा है तो उसके बाद में शेंगन जो है वो होना बहुत ही आसान है। एक दो दिन में एक ऐसी वीडियो के साथ में आपके साथ में रूबरू होऊंगा कि आप देखेंगे कि ठीक ठाक सी इनकम पे यूके वीज़ा जो है वो अप्रूव्ड हो गए हैं। तो अगर आपकी भी इनकम वैसे ही मैच करती है, नेक्स्ट वीडियो में आप वो भी यूके वीज़ा के ऊपर ही होगी, अगर आपकी इनकम भी वैसे ही मैच करती है तो आप यूके के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको यूके वीज़ा के लिए, जो ये वीडियो बनाने का मकसद था, यूके वीज़ा के लिए डिटेल्ड डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपको बता देता हूँ। आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी, कितने महीने की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो क्या चाहिए होगा, अगर आप स्टूडेंट हैं तब क्या चाहिए होगा, और अगर आप जॉब करते हैं किसी के अंडर में तब क्या चाहिए होगा। चलिए अब बात करते हैं यूके वीज़ा के लिए जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं वो कौन कौन से हैं। हालांकि एक यूके वीज़ा एक थोड़ी सी छूट देता है कि हम थोड़े से एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स हैं वो यूके को दे सकते हैं। पहली चीज़ जो चाहिए होती है वो ओरिजिनल पासपोर्ट। आपके 3 पेज जो हैं वो ब्लैंक होने चाहिए, वैलिडिटी होनी चाहिए 6 महीने तक की, 6 महीने बाद आपकी वैलिडिटी जो है वो एक्सपायर होनी चाहिए। और आपके पास अगर पुराने पासपोर्ट जो हैं, जितने भी पासपोर्ट हैं, अगर आपने उस पर ट्रैवल किया है या नहीं ट्रैवल किया है, तो आप कोशिश कीजिए कि वो पासपोर्ट भी होने चाहिए इसके साथ में अटैच किए हुए। दूसरी जो चीज़ है वो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, जो कि ऑनलाइन भरा जाता है। हालांकि यूके का वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो शेंगन से एकदम अलग है, क्योंकि इसमें आपको अपने बजट के बारे में, अपनी सैलरी के बारे में, आपको अपने होटल्स के बारे में सब कुछ इसमें डिटेल्ड बताना पड़ता है कि आपकी सैलरी कितनी है, आप वहाँ कितना बजट लगाने वाले हैं, ये सारा कुछ आपको बताना होता है। इन्हीं चीज़ों को यूके जो है वो बड़ी ही बारीकी से ऑब्जर्व करता है। आप जब इसके पोर्टल पे जाके अपना फॉर्म भर रहे हों तो ये चीज़ों का बहुत ध्यान रखें कि आपका बजट क्या है और आप यूके को कौन सा बजट दिखाना चाह रहे हैं, कि कितने बजट पे आप ट्रैवल कर रहे हैं। तीसरी चीज़ जो है वो है अपॉइंटमेंट लेटर, जो आपको अपॉइंटमेंट मिली है उसका कन्फर्मेशन। अगली चीज़ जो है वो फीस रिसिप्ट, जो आपकी, अगर आप 6 महीने का वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हैं 180 दिन का, तो आपकी जो फ़ीस लगेगी वो 95 यूरो लगेगी, उसका कन्फर्मेशन चाहिए होगा। और उससे जो अगली चीज़ है वो है कवर लेटर। कवर लेटर जो अपना पर्सनल कवर लेटर है, आप यूके को लिखेंगे, डिटेल्ड कवर लेटर लिखिए, आप थोड़ा बड़ा भी लिख सकते हैं अपने बारे में। और कोशिश कीजिए कि जो आइटनरी है आपके साथ 10-15 दिन की, वो इसी में अटैच कर दें, इसी में लिख दें आइटनरी के बारे में, एक अलग से आइटनरी बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है यूके के लिए। और जो अगली चीज़ है वो ओरिजिनल बैंक स्टेटमेंट, मतलब रिसेंटली हो आपकी, ज़्यादा पुरानी बैंक स्टेटमेंट ना हो। और बैंक स्टेटमेंट भी, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो कैसी चाहिए, और अगर आप एम्प्लॉयड हैं तो कैसी चाहिए, और अगर आप स्टूडेंट हैं तो कैसी चाहिए, ये मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर में। और जो अगली चीज़ है वो है इनकम टैक्स रिटर्न। अगर आप जॉब करते हैं तो आपके पास फॉर्म 16 होगा। वैसे अगर आपके पास, आपका बिजनेस है, तो आपके ITR, लास्ट 3 साल की ITR, 3 साल की। और सपोर्टिंग फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स भी आप लगा सकते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड्स, आप FD लगा सकते हैं, अपने प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स लगा सकते हैं, ऐसे कोई भी डॉक्यूमेंट्स, अपनी गाड़ी की RC लगा सकते हैं, ऐसी कोई भी चीज़ आप, जो आपको लगता है कि आपके केस को, आपके टाइज को, इकोनॉमिक और सोशल टाइज को मजबूत करती है,
आप ऐसी कोई भी चीज़ अटैच कर सकते हैं यूके के लिए। हालांकि आपने देखा होगा बहुत बार शेंगन जो है, शेंगन में इन चीज़ों को अवॉइड करना पड़ता है, लेकिन मैं अगर आप यूके अप्लाई कर रहे हैं तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आपके पास जो भी इस तरह के डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर आपने कहीं भी अपना जो पैसा है वो इन्वेस्ट कर रखा है, तो आप ये दिखाइए, यूके को दिखाइए, ये अटैच कीजिए इस ऐसे डॉक्यूमेंट्स को। और जो अगली चीज़ है कि अगर आपने लास्ट 6 महीने में अगर आपने अफ्रीका कॉन्टिनेंट ट्रैवल किया हुआ है, तो आपको टीवी टेस्ट की ज़रूरत होगी जो कि नेगेटिव होनी चाहिए आपकी। अब एक चीज़ जो मैं आपको बता दूं कि अगर आप जॉब करते हैं तो आपको किस तरीके के डॉक्यूमेंट्स चाहिए, और अगर आप अपना बिजनेस करते हैं तो किस तरह के डॉक्यूमेंट्स चाहिए, और अगर आप स्टूडेंट हैं तो किस तरह के डॉक्यूमेंट्स चाहिए। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आपको अपने बिजनेस का जो है वो रजिस्ट्रेशन चाहिए होगा, वो किसी भी तरीके का हो सकता है, वो GST हो सकती है, वो लेबर सर्टिफिकेट हो सकता है। अगर GST है तो बहुत ही अच्छा, क्योंकि उस और GST जो है वो आपके नाम पे होनी चाहिए, जो बिजनेस का रजिस्ट्रेशन है वो आपके नाम पे होना चाहिए, उस पे आपके बिजनेस की डेट पड़ी होनी चाहिए कि कब से ये बिजनेस जो है वो चल रहा है। और बिजनेस के अगर ITR आपके पास हैं तो बहुत ही अच्छा, और बिजनेस का करंट अकाउंट होना चाहिए। मैं इसलिए कह रहा था कि आपको जो स्टेटमेंट है सेविंग की तो चाहिए ही चाहिए, आपके पास अगर आपका बिजनेस है, खुद का बिजनेस है, तो आपको अपने करंट की स्टेटमेंट भी लगानी होगी, और UK 6 महीने की स्टेटमेंट जो है वो रिक्वायर करता है। 6 महीने की बिल्कुल सेटल्ड स्टेटमेंट होनी चाहिए। और दूसरी चीज़, अगर आप एम्प्लॉयड हैं, आप जॉब करते हैं, तो आपको चाहिए होगी 6 मंथ की सैलरी स्लिप, और आपको सैलरी अकाउंट चाहिए होगा जिसमें आपकी सैलरी जो है वो क्रेडिट होती है। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो ऐसे ही डॉक्यूमेंट्स आपको अपने पेरेंट्स के साइड से चाहिए होंगे, पेरेंट्स की ITR, पेरेंट्स के बिजनेस का प्रूफ, और अपने स्कूल से NOC चाहिए होगी कि आप ट्रैवल करने जा रहे हैं और आकर आप अपने स्कूल को जो है वो ज्वाइन कर लेंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं और आपको अपने फादर की तरफ से या आपकी मदर की तरफ से या अपने ब्रदर की तरफ से आपको स्पॉन्सर चाहिए होगा। और दूसरी चीज़, अगर आप जॉब करते हैं या आप बिजनेस करते हैं, तो सबसे ज़रूरी चीज़ अगर आपका जो सेविंग अकाउंट है या करंट अकाउंट है, अगर आप उसमें एक तरीके की एंट्री कर रहे हैं तो ठीक है, आप कोशिश कीजिए कि अगर आप लास्ट 6 मंथ की स्टेटमेंट जो है वो अटैच कर रहे हैं, तो आपकी उस बैंक स्टेटमेंट में कोई ऐसी गड़बड़ एंट्री जो है वो गड़बड़ वाली नहीं होनी चाहिए, या बड़ी एंट्री नहीं होनी चाहिए जो एकदम कर दी गई हो, क्योंकि UK इन चीज़ों से बड़ी नफरत करता है ऐसी कोई भी एंट्री से, या कैश आपने कैश जो है वो अपने अकाउंट में बहुत ज़्यादा एकदम डिपॉजिट करवा दिया, तो ये भी एक बड़ा नेगेटिव पॉइंट बन जाता है UK के लिए। और अगली चीज़ कि आपके अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में या करंट अकाउंट में जब आप ट्रैवल कर रहे हैं तो बैलेंस कितना होना चाहिए। आपके अकाउंट में बैलेंस इतना होना चाहिए कि अगर आपका बजट जो UK की ट्रिप को लेकर है वो 2 लाख का है, अगर आप अकेले ट्रैवल कर रहे हैं और आपका बजट जो है वो 2 लाख का है, तब आपके अकाउंट में 4 लाख होने चाहिए। और अगर आपका बजट जो है वो 4 लाख का है, जो आप UK का वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन भर रहे हैं उसमें, अगर उसका बजट 4 लाख है, तो आप कोशिश कीजिए कि आपके अकाउंट में उसमें 8 लाख होने चाहिए। बस ये मैं अपने आइडिया और अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ऐसी कोई फिक्स चीज़ नहीं है कि बैलेंस जो है वो आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें कितना होना चाहिए अकाउंट में। कई बार तो हम देखते हैं कि बहुत ही कम बैलेंस जब होता है, लेकिन सैलरी जो वो है वो बहुत अच्छी होती है, ट्रैवल हिस्ट्री बहुत अच्छी होती है, तो आपका कम बैलेंस होने पर भी वीज़ा जो है वो लग के आ जाता है, वीज़ा जो है वो अप्रूव्ड हो जाता है। तो आप कोशिश कीजिए कि अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है और आपकी सैलरी अच्छी है या फिर आपकी बिजनेस से इनकम अच्छी है, तो आप UK वीज़ा फ्रेश पासपोर्ट पे भी अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा केसेस में ऐसा हो जाता है कि UK वीज़ा जो है वो फ्रेश पासपोर्ट पे भी आ जाता है अगर आपकी इनकम अच्छी है। अगली वीडियो में आप देखेंगे कि हम आपको दिखाएंगे भी कि 2-4 वीज़ा जो हैं वो ऐसी प्रोफाइल पे आए हैं जो जिनके पास फ्रेश पासपोर्ट था, लेकिन उनकी जो इनकम थी जॉब से या अपनी जो इनकम थी वो बहुत अच्छी थी। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मैं नहीं चाहता हूँ कि इस वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा बनाया जाए। धन्यवाद।